हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 NCERT क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 14.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा। मीन आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में निकालना सीखा है और आपसे फिर पूछ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हम निकालेंगे और मोड भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा, इसका क्या निकालेंगे, मीन ही निकाल लेते हैं जो हमने पहले सीखा है। ठीक है बेटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ मीन। ओके, सो पहले हम इंटरवल्स पे ध्यान देते हैं। यहाँ 20 पे ख़त्म हुआ, 20 से शुरू है, यानी सबके बीच में डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम है तभी तो हम मोड निकाल पाएंगे, तो इंटरवल्स तो हमारे ईजी दे रखा है। चलिए नेक्स्ट वाला काम हमारा क्या होता है कि हम ये इंटरवल्स और फ्रिक्वेंसीज तो दे रखी हैं, बाकी का काम हमें करना है। ठीक है, सो ये हम लेते हैं, एफ दे रखा है, हमें एक्स निकालना पड़ेगा। ओके, एक्स निकालेंगे, उसके बाद हमें डी निकालना पड़ेगा। चलो पहले इतना काम कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि क्या करना है। सो ये एफ का कॉलम है, ठीक है, ये एफ का कॉलम है। फिर हमें एक्स चाहिए, फिर हमें डी भी निकाल लेंगे क्योंकि एक्स बड़े बड़े आएंगे। वैसे किसी पर्टिकुलर मेथड के बोला नहीं है, आप अपने अनुसार किसी को भी कर सकते हो। तो एक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों इंटरवल्स को जोड़ेंगे, 20 प्लस 15 अपॉन में 2 और हाफ कर देते हैं, यानी कि 35 अपॉन 2, यानी कि 17.5। कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि ये आ गया 17.5। ठीक है, 17.5 है तो 17.5 सब में कितने कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो 17 में आपको क्या जोड़ देना है, 5, तो 7 और 5 कितना होता है, 12, ये हो जाएगा 22, 22.5। फिर 5 ऐड करोगे, यहाँ जाएगा 37.5। फिर 5 ऐड करोगे, हो जाएगा 42.5। फिर आ जाएगा 47.5। फिर आ जाएगा 52.5। फिर आपका आ जाएगा 57.5 और फिर आपका आ जाएगा 62.5। ठीक है, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये तो चलो हो गया। आप देख रहे हैं एक्स बड़े बड़े हैं, तो नेक्स्ट मेथड में डायरेक्ट मेथड सही नहीं रहेगा, दूसरे मेथड पे आते हैं। एंड दूसरे मेथड में आपको फॉर्मूला पता है, डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स माइनस के ए, वेयर ए इज अज्यूम्ड मीन। ई क्या होता है बच्चों, अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो हम लगाते हैं यहाँ पर अज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, सो कैसे निकाला जाता है, एन बाई टू, ये जो होता है एन बाई टू टर्म होता है एक्स में। ठीक है, तो एन कितना है हमारे पास है यहाँ पर, 3 and 3, 6 to 8, यानी कि 8 बाई टू करोगे, यानी कि फोर्थ टर्म हो जाएगा आपका एक्स में। फोर्थ टर्म कितना है बेटा, ये 42.5। ये मेरा क्या हो गया बच्चों, ये मेरा हो गया आपका ए। ठीक है बेटा, हमने अज्यूम्ड मीन हमारी कितना मिल गया, हमने कैलकुलेशन से लिखा है लेकिन लिखना पड़ता है लेट करके। ठीक है, अब हर एक एक्स में से आपको 42.5 माइनस करना पड़ेगा, हर एक एक्स में से। ठीक है, तो 42.5 में से आपको माइनस करना है बेटा कितना, 42.5 में से माइनस करना है आपको 17.5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखिए 42.5 है, माइनस करना 17.5, 0, अब 12 में से 7 गया, कितना बचा, 5, 25 बचेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25, तो यहाँ से आ जाएगा 25, किसका, माइनस का। फिर सब में 5 का डिफरेंस है, 5 जोड़ते जाओ, यहाँ पे आ जाएगा 20, फिर आ जाएगा 15 माइनस का। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा ये 0, 42.5 में से 42.5 माइनस होगा, फिर आपका 5, फिर आपका 10, 15, 20। फिर आप यू भी निकाल ही लो, जब डी निकाल लिया है तो बेटा यू भी निकाल लो। यू क्या होता है बच्चा, डी अपॉन एच, और एच हमारे पास क्या है बेटा, एच हमारे पास है 5, सब में 5 का डिफरेंस है इंटरवल्स में, है ना। तो अब हर एक डी को 5 से डिवाइड कर दो, तो ये माइनस के 5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 4, माइनस के 3, 0, फिर 1, 2, 3, 4, ये तो हमें क्या मिल गया बच्चों, ये हमें मिल चुका है यू। अब हमें क्या चाहिए नेक्स्ट कॉलम में, एफ़ और यू की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो
तो ये कॉलम हम बना लेते हैं, ये हो गया एफ यू का कॉलम, यहाँ मैं लिख देता हूँ एफ इन टू यू, ये यू का कॉलम है और ये एफ का कॉलम है। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 माइनस के 15, 4 8 32 माइनस के 32, और 9 3 27 माइनस के 27, फिर आपका 0, 3 1 3, ठीक है, 0 into something 0, 0 into something 0, 2 4 8, तो ये प्लस की तो हो गया कितना, 8 और 3 11, और ये माइनस के ज़्यादा हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। तो 5 और 2 7, 7 और 7 14, हासिल लगा 1, कैरी 1 हो गया, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, माइनस के 74। इसको सॉल्व करोगे, माइनस का 74 है और प्लस के 11 है, सब्ट्रैक करोगे 3 63 आ जाएगा माइनस के समेशन में, सिग्मा एफ यू, ठीक है, सिग्मा एफ यू कितना आ गया, 63। अब आपको सिग्मा एफ भी चाहिए तो इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो बेटा, ये 10 3 13 और 2 15, ठीक है, 15 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया, 15, और ये हो गया आपका 20, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 45 ऐड करोगे तो, 45 बोलो, 35, ठीक है, 15 और 20 कितने हो गए, 35, सिग्मा एफ हमारे पास कितना, 35। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ओके बेटा। अब कैलकुलेशन पे आ जाओ, क्योंकि जगह कम है ना, यहीं पे हमें सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे मेन का, ठीक है, स्टेप डिवीजन मेथड हमने यूज़ किए हैं, तो ये होता है सिग्मा प्लस में ए प्लस सिग्मा एफ यू इंटू सिग्मा एफ इंटू में एच, है ना, वैल्यू पुट अप करो, 42.5, सिग्मा एफ यू कितना है हमारे पास, माइनस के 63, एच हमारे पास कितना है बच्चों, 5, और अपॉन में सिग्मा एफ कितना है, 35, 5 7 35, 42.5 प्लस माइनस माइनस 63 अपॉन 7, ठीक है, 63 को डिवाइड कर देना है 7 से, ठीक है, 7 9 63, तो 42.5 माइनस के 9, घटा दो, 42.5 में से 9 घटाओगे तो कितना है, 42 माइनस 9, तो यहाँ से 12 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, और ये 33.5, ठीक है, तो ये हमें हमारा आंसर आ गया। क्या मिल गया हमें बच्चों, मेन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को दोबारा देखें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज में, अब हम निकालेंगे मोड, जो कि बहुत आसान होता है, मोड निकालना बहुत आसान है, सबसे आसान मोड ही होता है निकालना। तो सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है ना, ये हमारे क्या है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम है ये वाला, तो सबसे पहले बेटा हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 10, जिसे हम बोलते हैं F1, उसके ऊपर वाला क्या होता है F0, और उसके नीचे वाला होता है F2, चौथे नंबर पर है F1, उसी में जाओगे, ठीक है, तो ये चौथे नंबर वाला ये हो जाएगा मोडाल क्लास, जो कि 30 to 35, ठीक है, और ये जो 30 है आपकी लोअर लिमिट है, ठीक है, और एच आपके पास 5 5 का डिफरेंस, H5 है, बाकी सब कुछ तो पता ही है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 इंटू एच अपॉन में होता है 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2, वैल्यू पुट अप कर दो, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू हमारे पास है 30, F1 की वैल्यू है 10, F0 की वैल्यू है 9, H की वैल्यू है 5, 2F1 यानी कि 20, फिर आपका आता है F0 9, F2 3, ठीक है, 30 यहाँ से तो 1 बचेगा, 10 माइनस 9, 1 into 5 5 बचेगा ऊपर, 20 माइनस 12 यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड करना है 8 से 5 में, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 8 6 48, ठीक है, माइनस करेंगे 2 बचा 0, 8 2 16, 4 बचेगा 0, 8 45, ठीक है, तो 30 प्लस में पॉइंट के 625, सो ये आंसर आ जाएगा 30.625, ये आपका मोड आ जाएगा। कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखें।